Hey guys, hi! Welcome to my channel, National Beauty on Duty. I hope you all are doing good. So guys, अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी हेयर स्टाइल की. सो हेयर स्टाइल का वीडियो हो सकता है आज आ जाए या मैं कल अपलोड कर दूंगी. सो गाइज, जब मैं हेयर स्टाइल का वीडियो शूट कर रही थी तब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. सो गाइज, बारिश ने हमारे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है. बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है इस नए घर में. जी हाँ गाइज, हम लोगों ने घर की शिफ्टिंग कर ली है. पहले हम जिस घर में रह रहे थे वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो नए घर में हम लोगों ने शिफ्ट किया है अभी कुछ 1 वीक पहले. और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है. जो प्रॉब्लम हमें उस घर में हो रही थी वो प्रॉब्लम हमें इस घर में नहीं हो रही है, बट इस घर में कुछ अलग ही प्रॉब्लम को हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है. सो अभी मैं आप लोगों को वीडियो में बैक कैमरा से घर के बाहर का माहौल दिखाऊंगी कि घर के बाहर क्या कुछ हालत है. और चलिए मैं आप लोगों को पहले बैक कैमरा से घर के बाहर की हालत दिखाती हूँ, फिर हो सकता है मैं आपको घर के अंदर की भी हालत दिखाऊंगी. सो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, आप डोर ओपन करते हैं एंड मैं आप लोगों को बैक कैमरा से घर की जो बाहर की हालत है पहले उसको दिखाती हूँ. गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये घर के बाहर का व्यू है. ये देखिए तालाब जैसा पानी भरा हुआ है. अब मैं आप लोगों को गेट ओपन करके भी दिखाती हूँ. ओपन कर लेते हैं. ये देखिए घर के बाहर कितना ज्यादा पानी है. पहले मैंने आपको ये लेफ्ट का दिखाया कैसे पानी भरा हुआ है काफी दूर तक, अब मैं आपको ये राइट वाला दिखा रही हूँ. गाइस, अब हम टेरेस पर जाएंगे एंड वहां पर तो देखेंगे कि पानी किस तरह से भरा हुआ है. ये आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है. अभी मैं टेरेस में आ गई हूँ और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि घर के बाहर कितना पानी भरा हुआ है और बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है. सो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है. अभी मैं आप लोगों को थोड़ा घर के पीछे का भी दिखाती हूँ. वैसे घर के पीछे तो प्लॉट वगैरह पड़े हुए हैं जहाँ पर घर नहीं बना हुआ है, तो वहाँ पर पानी तो भरा रहेगा ही. सो मैं आप लोगों को वहाँ का भी व्यू दिखाती हूँ. शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, फ्रंट कैमरा से ही दिखाती हूँ. आप लोग देख पा रहे हैं कितना ज्यादा बारिश है और कितना ज्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है. जब तक यहाँ पर घर नहीं बन जाता है तब तक यहाँ की कंडीशन कुछ इसी तरह नहीं होगी. चलिए हम चलते हैं. सो गाइस, जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है. लोगों ने घर बना के रख दिया है लेकिन यहाँ पर कोई रहता नहीं, बहुत कम लोग रहते हैं. तो ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, यहाँ पर हम रहते हैं बट ज्यादा लोग नहीं रहते हैं. तो चलिए अभी हम नीचे चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ घर के अंदर की कंडीशन. एक बार आप लोग यहाँ से भी देख लीजिए कैसा पानी भरा हुआ है. गाइस, अब हम लोग घर के अंदर आ गए हैं एंड मैं आप लोगों को घर के अंदर की कंडीशन दिखाती हूँ कि बारिश ने किस तरह से हमें परेशान कर दिया है घर के अंदर की. आप लोग सोच रहे होंगे कि घर के बाहर की कंडीशन दिखा दी, बाहर तो बारिश ने परेशान किया है बट घर के अंदर इन लोगों को क्या परेशानी हो रही है. सो गाइस, घर के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. सो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है. बैक कैमरा से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से कैप्चर हो. ये देखिए कितनी ज्यादा सीट है एंड यहाँ पर भी देखिए कितनी ज्यादा सीट है. और जहाँ पर मैं शूट करती हूँ वहां पर भी बहुत ज्यादा सीट है. और ये देखिए इस कमरे में भी काफी सीट है. यहाँ पर पूरे घर में बहुत ज्यादा सीट है, ये देखिए. एंड मैं अब आप लोगों को इस कमरे की कंडीशन दिखाती हूँ. इस कमरे में तो बहुत ज्यादा सीट है, ये देखिए.
मतलब पूरी दीवार ही खराब हो चुकी है, जो पुट्टी वगैरह हुई है वो भी पूरी खराब हो चुकी है। बारिश के कारण हम लोगों को नए घर में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। एंड मैं अपनी हेयर स्टाइल की वीडियो शूट कर रही थी और बारिश भी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर करूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू लाइक माई वीडियो टू शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तब अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, आई लव यू गाइस।